चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों, ध्यान देना। अपनी आवाज रिपीट हो रही है लाइफ में। ठीक है, लेट्स गो। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम वाव क्लास डॉट कॉम विद द कैमरामैन दर्शन खरे। और आज हम हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट कवाट। ठीक है, लेट्स गो। ओवर एक्टिंग हो गई थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, कल के छुट्टी के लिए आपको सॉरी। ठीक है, कल थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से हम ले नहीं पाए थे, बट आज हम लेक्चर लेंगे प्रॉपरली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सो सब जनों को गुड मॉर्निंग, जितने लोग गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, सादर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम रिवाइज करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम सबसे पहले कंटेंट रिवाइज करेंगे। और एक मस्त खुशखबर मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा, हम जब रिविजन करेंगे तो हम रिविजन के साथ साथ में यहां पर ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे मेरे रिविजन का। आप स्पीकर फोन के ऊपर लगा देना आपका लैपटॉप या फोन, और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना इस रिविजन का, और यह ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सेव रखना है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना। दूसरी बात, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल भी रहेगा जहां आपके फाउंडेशन पे गूगल ड्राइव के लेक्चर का आपको बैकअप मिलेगा, वहां पे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक कृपया मुझे मत मांगना, जहां पे आपके लेक्चर्स अपलोड होंगे गूगल ड्राइव पे, हमारे wowclass.com के गूगल ड्राइव पे जब लेक्चर अपलोड होंगे, वहां आपको वही उसी जगह पे ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक सेपरेट फोल्डर मिलेगा, लॉ के लिए सिर्फ, रिगार्डिंग बीसीआर, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इसके लिए आपने रोहन सर और करंट सर से परमिशन लेना, मैं उनको सजेस्ट करूंगा। वैसे मैथ स्टैट्स में क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग बनेगा मेरे को खुद को टेंशन है, और अकाउंट्स में भी क्या बनेगा मेरे को खुद को नहीं पता। ठीक है, तो जो थेरी सब्जेक्ट है उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग बन सकता है, तो हम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी क्रिएट करेंगे जो आप कभी भी कान में हेडफोन्स डाल के उसको सुन सकते हो। ठीक है, तो हमारा रिविजन का रिविजन भी हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम हम ऑडियो रिकॉर्ड करके क्रिएट कर देंगे जो आप फोन के अंदर आपके सेव कर सकते हो और जब चाहे तब सुन सकते हो। कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ ना, जरा बताइएगा कमेंट के अंदर कि आइडिया आपको कैसा लगा। तो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अभी से बच्चों ने रोना शुरू कर दिया है, तो बच्चे रो रहे हैं कि सर बुक्स नहीं आए, जिंदगी झंड हो गई है। तो मैं बोलूं, मैंने पहले ही बोला था कि हमारा बुक्स का शिपिंग 6 तारीख को शुरू हुआ है, वहां से 7 से 10 दिन में बुक पहुंचेंगे, कृपया इस चीज के ऊपर ना रोइए। और ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बोला था कि जब से शिपिंग शुरू हुआ वहां से 7 से 10 दिन, आज की तारीख ही 8 है। ठीक है, 6 तारीख को शिपिंग शुरू किया, जिंदगी में 8 तारीख को बुक्स तुमको कहां से पहुंचेगी? हाँ, जो बहुत पूना के आसपास के लोकेशन है उनको ही सिर्फ बुक बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि वो आसपास के लोकेशन है। तो 7 से 10 दिन तक के इसलिए हमने पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, तो कृपया इस चीज के ऊपर कृपया कोई ना रोइए, वहां करके रोने की जरूरत नहीं है जिंदगी के अंदर। समझ में आ रहा है? मैंने ऑलरेडी ये चीज को क्लैरिफाई करके रखा है। चलो सर, कल आपके लेक्चर नहीं लिया इसलिए मम्मी ने मेरे को जूता फेंक के मारा। आयुष बोरा, बहुत बढ़िया, मैं कल भी लेक्चर नहीं लूंगा, कल भी देखेंगे आपको जूता फेंक के मारते हैं क्या। अगर आपको जूता फेंक के मम्मी मार रही है, इससे खुशी की बात क्या होती है? आप बड़े हो रहे हो। मतलब मैं ये चीज को बहुत मेरे लाइफ में मिस करता हूं, आजकल मेरी मम्मी मेरे को जूते फेंक के नहीं मार सकती। यू विल मिस दिस। ठीक है, जब आप 25 साल की उम्र के ऊपर हो जाओगे या 22-23 साल के ऊपर के उम्र के हो जाओगे, तो मम्मी आपको जूता फेंक के नहीं मारेगी, देन यू विल मिस दिस। दैट्स व्हाई एंजॉय दिस मोमेंट। सी, फ्लाइंग चप्पल, फ्लाइंग जूता रिसीव्ड विथ ऑनर इज एन अचीवमेंट इन द लाइफ। ठीक है, ये चीज को तुमने बड़े अच्छे से याद रखना। मैं बहुत मिस करता हूं, मैं चाहता हूं मेरी मम्मी कभी मेरे को फटके मारे, झाड़ू से मारे, जूते से मारे, चप्पल से मारे। आई मिस दिस मैन, दिस इज अ फन। ठीक है, और मतलब जब तुम बड़े हो जाते हो तो मम्मी कितना भी मारे तुमको लगता भी नहीं है, किसी भी एंगल से तुमको लगता भी नहीं है। पप्पा मारे तो बहुत लगता है, मम्मी मारे तो लगता भी नहीं है। तो खा लो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मैं कल भी लेक्चर नहीं लूंगा, और जूते खा लेना तुमने। ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से, सर टोटल कितने लेक्चर्स होंगे लॉ के? 80-90 घंटे का लॉ का कंटेंट है। अब लेक्चर कितने मेरे को मालूम नहीं, मैं अभी डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के लेक्चर ले रहा हूं, इकोनॉमिक शुरू होने के बाद एक एक घंटे के लेक्चर लूंगा। तो नंबर ऑफ लेक्चर से हम नहीं जाते, हम नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से जाते हैं। और तुम पढ़ते जाओ भी, तुम्हें नंबर ऑफ लेक्चर से क्या करना है? और मैंने बोला उतने नंबर ऑफ लेक्चर नहीं हुए जिंदगी में, क्या कर लोगे तुम जिंदगी के अंदर? मतलब फालतू चीज है ज्यादा पढ़ना, जो रिवाइज करना है वो गया तेल लेने के लिए, फालतू चीजें जिंदगी में बहुत ज्यादा पूछनी है तुमको। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। कॉन्सेंट्रेशन एक चीज याद रखना, गुरु मंत्र दे रहा हूं बड़े अच्छे से याद रखना तुमने, फोकस इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट। ठीक है, फोकस इज नॉट अ क्वालिटी, फोकस इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट। क्या करना है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक है, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। नाउ ये हो रही बड़ी
हम थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तुम तुम्हारा ऑडियो रिकॉर्डर जो भी फोन वोन में होगा स्पीकर फोन के साइड में, कृपया इसको कृपया 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 इसको रख दीजिए स्पीकर फोन के साइड में, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्डर हम फाउंडेशन के सब रिवीजन जिंदगी में यहां पे खत्म कर देंगे, मतलब सब नहीं जो मैंने कल पढ़ाया था, ऐसा डेली एक 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 रिवीजन होता रहेगा। चलो सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम जाते हैं, किधर गया जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीए फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चल बहुत बढ़िया, आ जाइए। आई होप सो सबने रिकॉर्डर खोला होगा, मैं जब बोलूंगा रिकॉर्ड का बटन दबाना है तो उस वक्त दबा देना, ठीक है। साइड का ट्रैक जिंदगी में मत पकड़ो, आओ वापस आओ नालायक बच्चों, कुछ भी बोलो जिंदगी में, तुम्हारी टेलीपैथी इतने जोर से आती है ना मेरे को, कह रहे हैं सर क्या बोला तुमने, एक दूंगा ऐसा मस्त वाला खतरनाक तरीके से, आ जाओ फटाफट जिंदगी के अंदर, पढ़ते हैं इसको, रेडी लेट्स गो। हाय गाइस दिस इज दर्शन खरे, रिकॉर्डिंग का बटन दबा दीजिए। हाय गाइस दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com, जो हम है सीए की फैकल्टी, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए। सो आज हम रिवाइज करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोई भी एक्ट शुरू करने के पहले आपको चार चीजें उस एक्ट की पता होनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला है हिस्ट्री, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, तीसरा है अथॉरिटी स्ट्रक्चर और चौथा है चैप्टर स्ट्रक्चर। तो अभी इस रिविजन के अंदर हम सबसे पहले सिर्फ हिस्ट्री जानेंगे। अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर राज किया था नियरली 1775 से, और उन्हें नॉर्मली ऐसा लगा 1850s के आसपास कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कोई लॉ होना चाहिए सो एज टू अवॉइड द डिस्प्यूट। तो उन्होंने एक लॉ बनाया था 1872 में, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये दोनों इंक्लूड हुआ करते थे और प्रॉपर्टीज के भी प्रोविजन इंक्लूड हुआ करते थे। डाउन द लाइन 1930 में गुड सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया और सेपरेट लॉ बनाया गया, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करके एक सेपरेट लॉ बनाया गया। सो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का आपका हिस्ट्री जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिस्ट्री के बाद में कॉन्ट्रैक्ट के कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको समझना जरूरी है। सेक्शन नंबर 2 में, यहां डेफिनेशन के सेक्शन से एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा। 2 सबसेक्शन ए इज ऑफर और प्रपोजल, 2 सबसेक्शन नंबर बी इज एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, 2 सबसेक्शन नंबर सी is a promisor and promisee, 2 subsection D is a consideration, 2 subsection number E is a agreement, 2 subsection F बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, so छोड़ दीजिएगा, 2G illegal contract or void agreement, 2H contract, 2I voidable contract। इसमें से हमने इस revision के अंदर कुछ sections cover करने हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो section आता है वो है 2H वाला कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कुछ इस कदर है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सबसे पहली चीज वो एग्रीमेंट होना चाहिए और वो लॉ के हिसाब से एनफोर्सिएबल होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए, हम इस चीज को ही कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। फिर सवाल आता है सर व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर 2 सबसेक्शन नंबर ई, उसके अंदर बोला है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट। मतलब सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, दो प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर वो हम उसको एग्रीमेंट कहते हैं, अगर वो लीगली एनफोर्सिएबल है फिर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फिर सवाल उठता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय एन एग्रीमेंट इन हियर, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉमिस इन हियर, तो हम यहां पे बोल सकते हैं प्रॉमिस एज एंड व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ये प्रॉमिस की डेफिनेशन है। मतलब सबसे पहले किसी को प्रपोजल देना चाहिए, उस बंदे ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, एक बार जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया वो प्रॉमिस बन जाता है। क्लियर है? ये जो 2 सबसेक्शन बी में प्रॉमिस का डेफिनेशन है वो एक्चुअली एक्सेप्टेंस का भी डेफिनेशन है। एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस क्रिएशन ये एक ही डेफिनेशन में 2 सबसेक्शन बी में बोला गया है। क्लियर है कांसेप्ट? इसके अगेन में इंपॉर्टेंट एरिया बोल दूं, सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए, दूसरा बंदे ने असेंट देना चाहिए, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो हम उसको
प्रॉमिस कह सकते हैं। यह चीज होने के बारे में हम अगली चीज के ऊपर जाएंगे, दैट इज नेक्स्ट वाला सिचुएशन, व्हाट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इट्स का मतलब होता है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों पार्टीज के ऊपर, जिसमें से अगर किसी भी पार्टी ने यह तोड़ दिया तो ऐसे सिचुएशन में उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, पेनल्टी, डैमेजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो अगर इस हिसाब से मैं कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन बोलूं, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन कुछ इस कदर बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। फिर उसके बाद में अगर हम इसको एक्सपांड करें तो हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट मतलब सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, तो आपका इक्वेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू प्रॉमिस वन प्लस प्रॉमिस टू, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस प्लस लीगली एनफोर्सिएबल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रॉमिस के अंदर दो चीजें आती है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, और यहां पे दो प्रॉमिसेस है, मतलब दो प्रपोजल और दो एक्सेप्टेंस आने चाहिए अपोजिट पार्टी से। सो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू प्रपोजल वन प्लस एक्सेप्टेंस वन प्लस प्रपोजल टू प्लस एक्सेप्टेंस टू होल ब्रैकेट कंप्लीट प्लस लीगली ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। फिर लीगल ऑब्लिगेशन किस बारे में, तो ऑब्जेक्ट आपका लीगल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का, मर्डर करना, चोरी करना, सुपारी देना, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए, मनी या मनी के वर्थ में, चरस, कोकेन, अफीम, गांजा जैसे इलीगल चीजें, स्मगलिंग वाले गुड्स, ये कंसिडरेशन में नहीं चलेगा। सो टोटल इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर वन प्लस एक्सेप्टेंस वन प्लस ऑफर टू प्लस एक्सेप्टेंस टू प्लस लीगल ऑब्जेक्ट प्लस लीगल कंसिडरेशन, दिस होल थिंग टुगेदर विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने जितने डेफिनेशन पढ़े उसमें से हमारा 2B प्रॉमिस का डेफिनेशन, 2C प्रॉमिस और प्रॉमिसी का डेफिनेशन, 2D कंसिडरेशन नहीं हुआ है, 2E हो चुका है, 2H हो चुका है, क्लियर है। इतने डेफिनेशन हमारे यहां पे हो चुके हैं, यहां तक आज हम ऑडियो रिविजन के लिए काफी करते हैं। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप wowclass.com से मेरे और फाउंडेशन के बाकी टीचर जैसे रोहन सर और करण सर, इनके भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, बाकी भी टीचर्स के आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो wowclass.com से। दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, दस विदानिया, शब्बा खैर। सो ऑडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, ये ऑडियो रिवीजन का लिंक मेरे पास नहीं होता, तो कृपया कोई भी सेल्स टीम या सपोर्ट टीम को इसको फोन करके ना बोलिए। आप जब आपके लेक्चर अपलोड हो जाएंगे गूगल ड्राइव के ऊपर, वहीं पे आपको फोल्डर में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, एटलीस्ट लॉ का। बाद में जब मैं इकोनॉमिक्स लूंगा तो उसका भी, और बीसी के लूंगा तो उसका भी, इन सबके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। बाकी जो टीचर्स के रिकॉर्डिंग है उनसे एक बार आपने कंफर्म कर लेना, और लिंक कृपया किसी को भी मत मांगना। जहां पे आपके गूगल ड्राइव के लेक्चर्स है वहीं पे फोल्डर मिलेगा आपको, फाउंडेशन के फोल्डर, आजू बाजू में थोड़ा अंदर बाहर जाके ढूंढना। वैसे आप इंटरनेट के ऊपर कौन कौन सी चीजें ढूंढ के लाते हो, जो बैन हुई है वो भी चीजें तुम ढूंढ ढूंढ के ला लेते हो, तो ये ऑडियो रिवीजन थोड़ा सा ढूंढ लेना, ठीक है। मतलब वो जो छुपी छुपाई बैन वैन गवर्नमेंट ने बैन की हुई चीजें वो मस्त तुम ढूंढ के लालोगे, पर एक ऑडियो रिवीजन तुमको ढूंढने के लिए, नहीं सर कहां है सर, किधर रख दिया सर, जिंदगी में सर मिल ही नहीं रहा सर, पता नहीं कहां खो गया सर, तो ये हरकतें जिंदगी में मत करना मेरे प्यारे नालायक को, मेरे को मालूम है तुम कितने बेकार हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। देखो कैसे कमेंट सेक्शन में बाहर आ गई, सब नालायक वहीं भरे पड़े हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बताऊं मैं तुमको किस बारे में बोलूं, लेट्स गो। चलो बहुत बढ़िया, अब आज हम बढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। अगली चीज हम यहां पे देखने वाले हैं, यहां आई गेस एक ऑफर का डेफिनेशन रह गया है, तो ऑफर का डेफिनेशन बच्चों आपको आगे आएगा, ऑफर का डेफिनेशन जब हम ऑफर का चैप्टर शुरू करेंगे तो 2 सबसेक्शन ए वाला ऑफर का डेफिनेशन बाद में आएगा। तो अगर आपने ऑफर का डेफिनेशन अभी तक नहीं देखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब चैप्टर शुरू होगा तो यह डेफिनेशन आ जाएगा, ठीक है। So, कल के ये डेफिनेशन है, मैं चाहूंगा कि फटाफट इसको एक बार आप याद कर लीजिए वापस से, फिर एक मिनट के बाद में हम शुरू करते हैं, गो फॉर इट फास्ट।
थैंक यू सो मच बेटा समर्थ। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, लेट्स गो। सो आज वक्त का तकाजा है, आज हम देखने वाले हैं एक डिफरेंस जो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का। यह डिफरेंस बड़ा काम का है, उसके पहले ऊपर का हमने सब कुछ पढ़ लिया है का वो एक बार देख लीजिए। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये अभी आपको वैसे भी घंटा समझ में नहीं आने वाला है, इसको थोड़ा एक दो लेक्चर होने के बाद समझेगा। तो इसको डाल दीजिएगा पेंडिंग में, इसको लिख दीजिए पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद में ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसको हम जरा एक बार देखते हैं। स्लो मोड ऑफ कर दो चैट का, तुम जिंदगी में चैट कर करके मेरी जान खा जाओगे, स्लो मोड ऑफ कर दिया तो मेरी जिंदगी जिंदगी बर्बाद हुई गया हो जाएगा मेरा। मैं ठीक है स्लो मोड को थोड़े के टाइम कम कर देता हूं, स्लो मोड का मेरी जिंदगी बर्बाद मत करना, मैंने ब्लॉक कर देना है वरना तुमको स्लो मोड के अंदर, टाइम कम कर देता है स्लो मोड का। तुम भी क्या याद रखोगे इस दिलदार से पाला पड़ा तुम्हारा जिंदगी में, लो खुश रहो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो सो एक बार हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ये देखो ये ऐसी हरकतों के लिए मैं स्लो मोड रखता हूं, किस जर जाओ निलय को लेके आओ, अरे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है जिंदगी में, निलय को कहां से ले, इसलिए स्लो मोड लगा के रखता हूं मैं नालायक लोग। ये अभी इधर ही प्रूव कर दिया, इतने तो नालायक है प्यारे नालायक। आ जाओ स्टार्ट करते, द लॉ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल एंड कमर्शियल लॉ। व्हाट इज मर्केंटाइल, मर्केंटाइल का मतलब होता है बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ का भी मतलब होता है बिजनेस लॉ। एक एक वर्ड का मीनिंग बोलूंगा तो लिख के रखिए, मर्केंटाइल मतलब बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल मतलब मर्चेंट, मर्केंटाइल इज वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम मर्चेंट, मर्चेंट मतलब शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब बिजनेस, सिंपल एज दैट। इट अफेक्ट्स एवरीबडी, मोर सो ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट मे बी सेड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत सही वर्डिंग बोला है बेटा, ये आपको कमेंट करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, ऐसा वो सेंटेंस दे देंगे, बोलेंगे एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज वर्ल्ड, ऐसे सेंटेंस देंगे, बोलेंगे एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, बताओ तुम्हारी क्रिएटिविटी, खिलाओ तुम्हारे ख्याली पुलाव, ऐसा करके वो तुमको दे देंगे पिल्लू, फिर तुम लिखते रह जाओगे, देखते बैठ जाओगे। तो इसको मार्क करके रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हो सकता है एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए। Let's go. The law relating to a contract governed by Indian Contract Act 1872. It came into force on September 1 1872. The preamble of the act says that, मैंने preamble बोला था ना, preamble हर law के अंदर preamble होता है, ये आ गया। Act says that it extends, says that the act to define, amend certain parts of law relating to contract, it extends to whole of India. आपको पता है contract act पहले जम्मू एंड कश्मीर को applicable नहीं हुआ करता था, जब जम्मू एंड कश्मीर अलग था, फिर आए बीजेपी गवर्नमेंट, मित्रों मैं और मेरे साथ वाले मोटा भाई, हम दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 को अमेंड करेंगे। और इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया, यूनियन टेरिटोरी डिक्लेयर कर दिया और सभी लॉज जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई कर दिए। तो नाउ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां बकायदा लिखो, बकायदा इंक्लूडिंग, बकायदा लिखो या कायदे से लिखो, इंक्लूडिंग जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह एंड लद्दाख, एलएनएल लेह एंड लद्दाख, ठीक है। ये बड़े अच्छे तरीके से तुमने बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सर आप तो बिल्कुल दर्शन खरे जैसे दिखते हैं, निक एंटरटेनमेंट नालायक, मेरे प्यारे नालायक, ऐसी कमेंट मत करो रे, वहां पे ध्यान दो बे पढ़ाई पे जिंदगी के अंदर। द एक्ट मोस्टली डील विद द जनरल प्रिंसिपल एंड रूल्स गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस सी बात है उसी लिए पढ़ रहे हैं। द एक्ट इज डिविजिबल इन टू टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज सेक्शन 1 से लेके 75, डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर अप्लाइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट irrespective of their nature. Second part is 124 to 238, deals with certain special kind of contracts such as indemnity, guarantee, bailment, pledge, agency, etc. अब इसके लिए मैं साइड में एक छोटू सा लिटिल क्वांचम क्वांचम मक्की काका डायग्राम देना चाहूंगा आज, यही है। यह चीज तुमको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। सो अगर मैं बोलू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोलू 1872,
तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए दो पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट है सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75, ठीक है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 75। दूसरा पार्ट है सेक्शन नंबर 76 से लेके सेक्शन नंबर 123, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बढ़िया। और तीसरा पार्ट है सेक्शन नंबर, सेक्शन इसका नाम सेक्शन नहीं होना चाहिए, ये तुमको इतने टॉर्चर करेंगे ना सही फाइनल पे जाने तक के, कि इसका नाम सेक्शन नहीं शोषण होना चाहिए, शोषण। सो शोषण नंबर 124 से लेके 238, तुम परेशान हो जाओगे पूरे 5 साल तक के सेक्शन सेक्शन पढ़ के। तो बच्चे मेरे को बोलते सर इसका नाम सेक्शन नहीं शोषण होना चाहिए, शोषण, ये हमारा शोषण कर रहा है सर। तो ऐसा ही है बेटा इसका। अब यहां पे अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 दीज आर जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एप्लीकेबल होते हैं टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट, एप्लीकेबल टू यावरी यावरी रे बाबा, एप्लीकेबल टू यावरी कॉन्ट्रैक्ट रे बाबा, मराठी माणूस जागा हो। फिर आता है सेक्शन नंबर 76 से 123, यही वो एरिया है जो डिलीट हो चुका है, जो कन्वर्ट हो गया है सोजा में, सोजा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तुम पढ़ने वाले हो ना सोजा, जब मैं तुमको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाऊंगा तो तुम इसके जो एब्रिविएशन है उसके हिसाब से सो जाओगे, सोजा नाम ही सोजा है, तो तुम काहे को जिंदा रहोगे, तुम काहे को जागोगे, तुम सो जाओगे, हाँ मेरे को मालूम है ना लायको, लेट्स गो। और फिर बचा हुआ दूसरा पार्ट कन्वर्ट हो चुका है पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट का ईयर है बच्चों 1932, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। ये पार्ट डिलीट हो चुका है सोजा और पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुका है। और फिर आता है 124 से 138, दिस इज रिगार्डिंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सर स्पेशल मतलब है इतने कितने स्पेशल है सर ये, मुझे एक बार बताओ तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई स्पेशल आता है तो तुम उसको अलग से ट्रीट करते हो या नहीं करते हो? तुम क्या तुम्हारे नॉर्मल दोस्त जैसे उसको ट्रीट करते हो, जैसे तुम दोस्त को गाली देते हो अबे साले, समझ में आ रहा है? इधर लिखा होता है ना दोस्त के, इधर तो टैटू बनवाया होता है कि वो क्या है करके, है ना? तो तुम दोस्त को ऐसे ट्रीट करते हो वैसे आप किसी स्पेशल को ट्रीट करते हो क्या? कभी कोई स्पेशल तुम्हारे सामने आ जाए जिसके ऊपर तुम्हारा उसको ट्रीट करते हो ऐसे? नहीं, उसको हम एलीट लेवल पे ट्रीट करते हैं। तो ऐसे ही यहां पे कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, जैसे सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट, बेलमेंट, चौथा कॉन्ट्रैक्ट है प्लेज, और पांचवा कॉन्ट्रैक्ट है एजेंटी। मैंने एजेंसी बोला, तुमने क्या सुना मेरे को नहीं मालूम, हाँ एजेंसी। ये पांच स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के, और ये पांचों के पांचों कॉन्ट्रैक्ट आते हैं बेटा सीए इंटर पे। तो सीए इंटर पे भी तुमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये पांचों कॉन्ट्रैक्ट आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तो सीए फाउंडेशन पे क्या पढ़े सर हम? तो सीए फाउंडेशन पे तुमको ये पढ़ना है जिंदगी में, इसी के अंदर तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। इससे ज्यादा और तुमको झंड करने की इच्छा है तो हमको बोल देना, मेरे पास बहुत मैटर है तुमको पढ़ाने के लिए, टेंशन ना लो, ठीक है? इतने में तुम्हारा दिल भर जाएगा क्या मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बोलना, ठीक है? चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट, तुरंत से भी पहले लिख के रखिए, तुरंत से भी पहले। एग्जाम में सेक्शन कोट करना कंपलसरी है क्या? वर्षेनी जी, वर्ष कैसा नाम है जिंदगी में, ओके जो भी है वर्षेनी जी, एग्जाम में फाउंडेशन में सेक्शन कोट करना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। फाउंडेशन में इंटर फाइनल पे नॉर्मली कंपलसरी होता है, फाउंडेशन में नहीं किए तो भी चलेगा, पर अगर करते हो तो मस्त मार्क मिलने के चांसेस है। इसको लिख के रखिए,
आप सीएमए फाउंडेशन के हो या सीए फाउंडेशन के हो, अगर आपका सिलेबस ये है तो बिंदास पढ़िए। सीएमए फाउंडेशन वालों को भी अपन पढ़ा देंगे जिंदगी में, जो आएगा जो मिलेगा जैसा मिलेगा पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। थैंक यू सो मच बेटा, तन्या वधा वाधवा। थैंक यू सो मच अथर्व। सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन सेम होता है क्या? हाँ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप, ये तीन टॉपिक तो कॉमन है, ये सीएस को भी कॉमन है, तो ऑब्वियसली वो भी बच्चे इसका ये लेक्चर्स ले सकते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, चलो लिख लिया सबने, लिखना हो जाए तो डिन डूना डिन डिन डान डून कर दीजिएगा। तीन लोगों का हो चुका है, और भी लोग कर दीजिएगा। चलो डन एवरीबॉडी, लेट्स गो। ये चीज होने के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं आगे। मैंने आपको हिस्ट्री का पोर्शन बोल दिया, जो यहां पे बोला गया था मैंने उसको ही आगे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट, बोले बिजनेस बोले बहुत खतरनाक हो गया, इतो कॉम्प्लेक्स हो गया बोले बिजनेस, कि मतलब समझ में ही नहीं आता बिजनेस कर रहे हैं या जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अभी कोविड में तो ऐसा ही हो रहा है, जो बिजनेस मैन है उनकी बहुत वाट लग गई है, पता ही नहीं चल रहा उनको वो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस उनके साथ कुछ कर रहा है। आगे, एनवायरमेंट इन्यूमरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज इन अ यूजुअल कोर्स कैरिंग देयर बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली बात है, ये भी सेंटेंस बड़ा काम का है, हो सकता है एग्जाम में डाल देंगे, पूछ लेंगे एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो आपको ये पैराग्राफ पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज को भी बड़े अच्छे से याद रखना। दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ द लॉ इन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, इट डज नॉट प्रिस्क्राइब, ये जो ब्रांच है लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ का एक पार्ट है, वो बाकी सभी लॉ से थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए डील करता है। ठीक है, इट डज नॉट प्रिस्क्राइब मेनी राइट्स एंड ड्यूटीज विच द लॉ विल प्रोटेक्ट और एनफोर्स, इंस्टेड इट कंटेन्स नंबर ऑफ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स सब्जेक्ट टू विच पार्टीज में क्रिएट राइट एंड ड्यूटीज बाय देमसेल्फ। इसके अंदर तरीका बोला गया है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और पार्टीज एक दूसरे को बाउंड कैसे कर सकते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कोडिफाइज द लीगल प्रिंसिपल दैट गवर्न द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बेसिकली आइडेंटिफाइज द इंग्रेडिएंट ऑफ लीगली एनफोर्सिएबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन एडिशन टू डीलिंग विद द सर्टन स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन सच एज इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे सिलेबस में है, बट बचे हुए सब सीए इंटर पे आएंगे। तो बोले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी ये डील करता है, तो यहां आप लिख सकते हो इट डील्स विथ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल। ठीक है, इट बेसिकली डिफाइन्स द सर्कमस्टेंसेस इन विच प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट शॉल बी लीगली बाइंड ऑन देम। ठीक है, जो पार्टीज ने प्रोमिसेस किए हैं वो पार्टीज कैसे एक दूसरे को लीगली बाइंड हो जाएंगे ये यहां पे बोला है। दिस यूनिट रेफर्स टू इसेंशियल्स ऑफ लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट
मतलब लीगली जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है उसके लिए काम करता है. इट सेट आउट द रूल्स फॉर द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन. किस तरीके से ऑफर मिलता है, किस तरीके से एक्सेप्टेंस, किस तरीके से रिवोकेशन, ये यहां पे बताया जाएगा. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में यहां पे बोला जाएगा. तो इन्होंने सिर्फ यहां लास्ट पैराग्राफ में कंटेंट बोला है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो लास्ट पैराग्राफ इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इतना बोला है हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो तो वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया. फिर बच्चों हमने डेफिनेशंस कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है, और फिर अभी हम आ रहे हैं इस डिफरेंस के ऊपर, इस डिफरेंस के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना. सबसे पहली बात, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? तो हमने यहां पे जब इक्वेशन लिखा था कॉन्ट्रैक्ट का, वही हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए था. अब बच्चों बड़े अच्छे से ध्यान देना, मुंडी उंडी झटकना, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, कमेंट्स करना अवॉइड करो, ये बहुत क्रूशियल है. ये डिफरेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है. जब इंपॉर्टेंट एरिया आते हैं या जब लिखते हैं तो एकदम सीरियस हो जाना. ठीक है, पढ़ते पढ़ते मस्ती मजाक एग्जाम्पल के तौर पर इट इज डिफरेंट, बट जब बात आती है लिखने की और बकायदा पढ़ने की तो बहुत सीरियस हो जाना. अपन एकदम हंसी मजाक में खेल में पढ़ने वाले हैं, बट जब इंपॉर्टेंट एरियाज आएंगे वहां पर हमको बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. यहां हम अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है. सबसे पहली बात, एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम यह कह सकते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. देखो बात को जरा समझो, मैं यहां एक छोटा सा चार्ट देना चाहूंगा. अगर मैं बोलू एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट दो टाइप की हो सकती है. एक एग्रीमेंट होती है लीगल और एक एग्रीमेंट होती है इलीगल. एग्रीमेंट दो टाइप की हो सकती है, एक होती है लीगल, एक होती है इलीगल. अगर लीगल एग्रीमेंट है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और अगर इलीगल एग्रीमेंट है तो हम उसको वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं. इसमें से हमको यह चीज तो जरूर समझ में आनी चाहिए, यह छोटे से चार्ट से यह चीज तो जरूर समझ में आनी चाहिए कि एग्रीमेंट ये टर्म, एग्रीमेंट ये टर्म, ये कॉन्ट्रैक्ट से ब्रॉडर है. एग्रीमेंट में दोनों टाइप के एग्रीमेंट आते हैं, लीगल इलीगल, बट कॉन्ट्रैक्ट में दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ सकते, लीगल इलीगल. कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लीगल ही हो सकता है. तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट इलीगल भी हो सकता है. तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होगा. सो एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर कंसर्न, कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्मॉलर कंसर्न. हर कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्रीमेंट बोल पाओगे, पर हर एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल पाओगे. इतना सा चार्ट, ये आइडिया समझ में आया क्या? जरा मुझे कमेंट के अंदर यहां पे बोलना कि ये चीज आपको यहां पे समझ में आई क्या, और ये चार्ट लिख के भी रखो, और समझ में आया क्या मुझे जरूर बोलना. ठीक है, गो फॉर इट फास्ट. समझ में आया तो बहुत बढ़िया. सर बुक नहीं मिली, कहां से लिखूं? कि जीवन जैसे सवाल ना पूछिए जिंदगी के अंदर, रजिस्टर वगैरह होगा उसके अंदर लिख लीजिए, और वो भी नहीं है तो घर की दीवारों पे लिख लीजिए. दूसरा, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने पहले ही बोला ये सब चीजें बाद में आने वाली हैं, तो कृपया इसके लिए वेट कीजिए. लास्ट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तब आपको यह समझ में आ जाएगा. समझ में आया? तो जब आदित्य बराबर है बेटा, और जरा ध्यान देके सुनिएगा, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो लोगों को बहुत सारी क्वेरीज आती है, जरा अच्छे से ध्यान देके सुनिएगा. जो लोगों को बहुत सारी क्वेरीज आती है हर चीज पे, वो थोड़ा फोकस ऑफ अटेंशन, अटेंशन स्पैन थोड़ा बढ़ाइएगा.
जो चीजें मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, आप उस हर सेंटेंस के ऊपर क्वेरी पूछोगे तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। और आप कितने बार, चलो यहां तो आप क्वेरी पूछ लोगे जिंदगी के अंदर, मैं तो सॉल्व भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे जिंदगी में यही करते रहोगे, ठीक है। तो फोकस और अटेंशन स्पैन बढ़ाइएगा, क्वेरी पूछने के हिसाब से ना पढ़िएगा, इस हिसाब से पढ़िएगा कि मुझे समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको अगर पता है आप हर एक चीज के ऊपर क्वेरी पूछ रहे हो, ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि फोकस और अटेंशन स्पैन बढ़ाइए तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको समझना शुरू होगी। एंड डोंट लुक इट इन द प्रोस्पेक्टिव कि मेरे को इसमें से क्वेरी ही ढूंढ के निकालनी है, ठीक है, लुक इट इन द प्रोस्पेक्टिव कि मुझे प्रॉपरली समझना है। हाँ, अगर आपको प्रॉपरली समझ में आया फिर लॉजिकल क्वेरी आई तो उसको सॉल्व करना काफी आसान होता है और कर भी सकते हैं, ठीक है, ये चीज को याद रखना। और अभी 10 साल का पढ़ा के इतना एक्सपीरियंस हो गया है लाइफ में कि क्वेरी देख के मैं बोल सकता हूं कि ये सिर्फ पूछने के लिए पूछी गई है या ये सच में क्वेरी है, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग मेरे हिटलिस्ट के ऊपर ना आ जाना जिंदगी में। आप जैसे ही क्वेरी पुट करोगे मेरे को इमीडिएट समझ में आता है कि ये क्वेरी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग पूछी है या ये सच में क्वेरी आई है। इतना तो 10 साल से इतना जिंदगी झंड की है मैंने, तो मेरे को मालूम है कि कहां क्वेरी आ सकती है, ठीक है। तो एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं, हर एग्रीमेंट जो लीगल इंटेंशन लीगल कंसर्न से किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट ओनली लीगल एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ये ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट का एक पार्ट है, और जो एग्रीमेंट इलीगल इंटेंशन ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन से किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, क्लियर। ये डिफरेंस आपने पहले तो याद रखना है, ठीक है। अब मैं जाता हूं इस साइड और अब मैं यहां पर डिफरेंस पढ़ता हूं कॉन्ट्रैक्ट का और एग्रीमेंट का, बड़े अच्छे से ध्यान देना। एग्रीमेंट मतलब हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू इच अदर, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज अ प्रॉमिस, यस और नो, और ऐसे एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन गया, एग्रीमेंट बन गया। यही तो डेफिनेशन है जो हमने 2E में देखा था, 2 सबसेक्शन ई में हमने यही डेफिनेशन देखा ना एग्रीमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यही डेफिनेशन तो हमने 2 सबसेक्शन एच में देखा। तो पहला डिफरेंस हमने डेफिनेशन दे दिए, पॉइंट भी तो 4-5 आने चाहिए ना डिफरेंस में, सिर्फ एक पॉइंट लिख के कैसे चलेगा, तो 4 पॉइंट। दूसरा स्कोप, एग्रीमेंट जैसे मैंने अभी अभी बोला, एग्रीमेंट इज अ काइंड ऑफ वाइडर टर्म, एग्रीमेंट बड़ी टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर सेंस इन द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट सिर्फ लीगली एनफोर्सिएबल होते हैं, सिर्फ लीगली एनफोर्सिएबल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है, बट एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, इंक्लूड लीगल एज वेल एज सोशल एज वेल एज इलीगल थिंग्स, क्लियर है कॉन्सेप्ट। लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट अ राइट टू द पार्टीज, बट नेसेसरीली क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टन राइट्स टू एवरी पार्टी। जब ऑब्लिगेशन लीगल होता है तो हर पार्टी के अपने राइट होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट लीगल है तो दूसरे पार्टी का भी राइट है, पहले पार्टी का भी राइट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से कंसिडरेशन मांग सकते हैं, दोनों एक दूसरे से डैमेजेस मांग सकते हैं। यह राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना है, यह राइट है। नेचर, ऑल एग्रीमेंट, सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट जरूर होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्मॉलर टर्म। यह चीज आपको समझना जरूरी है। आइडिया क्लियर है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? तो ये डिफरेंस एक बार चाहिए तो वापस से पढ़िए, मैंने चारों पॉइंट मेंशन करके रखे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क करके रखिएगा, केस स्टडी फॉर्म में पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में पूछा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, IMP, ठीक है। सवाल है सर सोशल एग्रीमेंट मतलब क्या? सोशल एग्रीमेंट का यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे तुम्हारे डैड ने तुमको प्रॉमिस किया कि तू भाई सीए फाउंडेशन निकाल के दिखा, आई विल गिव यू द बाइक। डैड ने तुम्हें प्रॉमिस किया तू सीए फाउंडेशन निकाल के दिखा, हम तुम्हें बाइक देंगे, ठीक है। अब ये तुम जैसे ही डैड तुमको बोलेंगे, डैड ने तुमको बोला तो सीए फाउंडेशन पास करके दिखा मैं तेरे को बाइक दूंगा, तुम क्या करते हो? तुम जाकर स्टैंप पेपर लेके आते हो 100 रुपए का, और डैड को बोलते हो डैड तुमने अभी अभी बोला भाई दोगे फाउंडेशन पास करने पे, चलो ये स्टैंप पेपर के ऊपर साइन करो, ये साइन करो, मैं भी साइन करता हूं, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। क्या ऐसा करते हो तुम डैड के साथ? करके देखो जरा जिंदगी में डैड के साथ कभी ऐसा, ट्राई नहीं ट्राई तो करो, कम से कम तुम्हें ट्राई जरूर करना। डैड ने बोला तू फाउंडेशन पास होते सही बाइक दूंगा, इमीडिएटली भागते भागते जाना स्टैंप पेपर निकालना, 2-4 लाख ही रखना घर पे, स्टैंप पेपर निकालना उसके ऊपर लिखना दैट माय आई एम मिस्टर, डैड का नाम लिखना, आई विल गिफ्ट अ बाइक टू माय सन, तुम्हारा नाम लिखना, अ बाइक विच इज वर्थ
वो भी केटीएम वाली, उसके साथ डीएसएलआर फ्री, तो केटीएम की बाइक लेना, डीएसएलआर लेना और निब्बा बन जाना जिंदगी के अंदर, तो आई विल बिकम अ निग्गा, नीचे साइन निब्बा, इट इज साइन बाय डैड, साइन बाय यू. ऐसा डैड को बोला कि डैड साइन कर दो जरा जल्दी, बाइक का कैसे डील सही होना चाहिए, इनफोर्सिएबल बाय लॉ. ऐसा डैड मस्त लेंगे दांडू का, ऐसा मारेंगे दे दनादन दन दनादन दन दनादन तर 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 तर, ताशा सुना है, ताशा गणपति में बजता है, वैसे बजाएंगे तुमको डैड तुम्हारे, यसन न, उससे ज्यादा आवाज आएगी. क्लियर है सर? तो जब ऐसे कोई डैड अपने बेटे को बोलते हैं कि मैं बाइक दूंगा, या जब डैड, जब कोई आदमी अपने बीवी को बोलता है कि मैं तुम्हें आने वाली एनिवर्सरी पे क्या कहते उसको हीरे का हार दूंगा, ठीक है, या फिर तुम जब तुम्हारे घर पे कोई पत्रिका आती है कि शादी है और उसके ऊपर लिखा रहता है चुन्नू मुन्नू ने मेले चाचा ते शादी में जलू लाना, पत्रिका के अंदर लिखा है मेले चाचा ते शादी में जलू लाना, और जब तुम शादी में जाते हो तो चुन्नू फुल टाइम सोया हुआ रहता है या धींगाने करते रहता है, उसके चाचा के शादी से उसको कोई नहीं लेन देन नहीं रहता, पर पत्रिका पे जरूर लिखते है चुन्नू फ्रॉम चुन्नू मेले चाचा के शादी में दलूल दलूल आना, है ना, अन जाने के बाद वो सोया पड़ा रहता है, चुन्नू फुल टाइम सोया रहता है, ठीक है. तो ये चीज को तुमने याद रखना कि ये जब मैरिज के जो एग्रीमेंट होते हैं कि मैं शादी में आऊंगा, या जब पति अपने पत्नी को बोलता है हीरो का हार दूंगा, जब डैड अपने बच्चों को बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, दीज आर सोशल एग्रीमेंट, ये इनफोर्सिएबल नहीं होते, ठीक है. आप इसके ऊपर केस नहीं कर सकते, तुम फाउंडेशन पास हो गए, डैड ने तुमको बाइक नहीं दी, तुम केस करोगे डैड के ऊपर, इतनी हिम्मत नहीं, तुमको घर से बेदखल कर दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया, दुनिया से बेदखल कर दिया, तो शर्त अपनी. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसे कहा जाता है सोशल एग्रीमेंट. क्लियर है? चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखना. पढ़ना हो जाए, समझना हो जाए, मार्किंग हो जाए तो डन बोल देना, आगे बढ़ जाएंगे. मेरे को ऐसे लग रहा है कुछ लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है. मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेरी एंटरटेन किया था कि फाउंडेशन में सेक्शन कोड करना जरूरी है क्या, मैंने क्वेरी को सॉल्व किया था ना, फिर भी यहां पे दो लोग वापस आएंगे जिंदगी में मेरी जिंदगी ज्वाइन करने के लिए कि सर सेक्शन कोड करना जरूर नहीं, बताना मेरे को, अभी बताया था आधे घंटे पहले, नींद ले रहे थे तुम, है क्या कर रहे थे लाइफ के अंदर, लिखो, एक काम करो लिखो, पे सब छोड़ो जिंदगी में, हट गायब, फ्रंट पेज पे जाओ, कवर पेज पे, तुम्हारे बुक के कवर पेज पे जाओ, सब जन जाएंगे तुमको, तुम्हारी कसम, तुम्हारे एक्स की कसम, तुम्हारे वाई की कसम, तुम्हारे बाबू सोना पिकाचू की कसम, अब इसके बाद में किसी ने ये क्वेरी पूछा ना जिंदगी झंड कर दूंगा मैं उसकी, याद रखना, तुम जाओ कवर पेज पे, तुम्हारे नहीं नहीं कवर पेज पे ही जाओ बुक के कवर, नहीं तुम जाओ कवर पेज पे बुक के जाओ, सब सब नहीं नहीं बिल्कुल जाए नहीं नहीं मैं बिल्कुल इस बार नहीं सुनूंगा, अब भी क्वेरी ना ना बिल्कुल ये हरकत है जिंदगी में बिल्कुल, तुम जाओ कवर पेज पे, कवर पेज पे ही लिखना, और जिन्होंने पूछा है उन्होंने तो पहले लिखना, नालायकों ने, कौन है ये अर्चना नालायक, हिमांशु नालायक, दोनों के दोनों जाओ कवर पेज पे, ठीक है, अब भी बोला था 15 मिनट पहले, लिखो उसके ऊपर एट सीए फाउंडेशन लेवल, सब जन लिखेंगे, सब जन वापस पूछा ना तो याद रखना घर पे आके मारूंगा मैं, एट सीए फाउंडेशन लेवल, सेक्शन कोटिंग इज नॉट कंपल्सरी, एट सीए फाउंडेशन लेवल सेक्शन कोटिंग इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज रिकमेंडेड, बट इट इज रिकमेंडेड टू कोट देम, इट इज रिकमेंडेड टू कोट देम, ठीक है, इट इज रिकमेंडेड टू कोट देम फुल स्टॉप. But at CA inter and final level, but at CA inter and final level, it is compulsory to quote the sections. It is recommended to quote, it is compulsory to quote the sections at CA inter and final level.
बिल्कुल शट अप। डन, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। अब इसके बाद में ना, अगर आपने क्वेरी डाली और मैंने उसको एंटरटेन नहीं किया, समझ जाना आपकी क्वेरी फालतू है, ठीक है। अब जैसे चैतन्य भाई साहब आ गए, सर ये डिफरेंस जो है ये नोटबुक में लिख ले क्या? नहीं, मैं क्या बोलूं अब इसके ऊपर? नहीं, मैं क्या, एकदम से तुमने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए, मैं क्या बोलूं? इस बुक में अंदर डिफरेंस दिया है, वही कोट करना है, नोटबुक में लिखने की जरूरत है? बुक में लेगा उसके अंदर डिफरेंस होगा, पीडीएफ शेयर किए उसमें भी डिफरेंस है। मतलब क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आज कुछ खास दिन है या कल छुट्टी दिया, उसका नशा आज तक तुम्हारा उतरा नहीं है, हैं? क्या बोलूं मैं प्यारे नालायक को तुमको? आगे मैं अभी जो मेरे को क्वेरी लगेगा ना, ये काम का नहीं, मैं एंटरटेन ही नहीं करने वाला, समझ जाना कि ये क्वेरी फालतू है। लेट्स गो, स्टार्ट करते, ध्यान देना। इस चक्कर में अच्छे अच्छे क्वेरी रह जाते फिर लाइफ में, एकदम कंसेप्चुअल जो एकदम ध्यान से पढ़ रहे उनके आगे जिंदगी के अंदर। सर हमने तो ए नहीं हुए आगे। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर, जो है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, बहुत सारी, और ये वो सभी चीजें हैं जो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में गिनी जाती है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस कदर दिया है। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा फ्री कंसेंट होना चाहिए, तीसरा कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, चौथा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पांचवा लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सिक्स्थ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, जो सेक्शन 10 में इसेंशियल्स बोले हैं और जो सेक्शन 10 में इसेंशियल्स नहीं बोले हैं। इधर के इसेंशियल्स बच्चों सेक्शन 10 में बोले हैं, इधर के इसेंशियल्स ये सेक्शन 10 में बोले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के। ये अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, मैं इनको बकायदा एक्सप्लेन करूंगा, चार्ट बना के दूंगा, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है, जस्ट वेट। और इधर के जो है कि टू पार्टीज होने चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना चाहिए, सर्टन मीनिंग होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, सेक्शन 10 में नहीं बोले हैं। ये चीजें सेक्शन 10 में नहीं बोली है, बट ये चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। ये जितने भी बोले हैं ना, दिस वन, there should be two parties, intention to create a legal relation, legal formalities, certainty of agreement, possibility of performance, ये चीजें सेक्शन 10 में नहीं बोली है, बट ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। रियलिटी को कहा जाता है सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब रियलिटी। सब्सटेंस इज ए लीगल टर्म विच इज यूज फॉर द टर्म रियलिटी। सब्सटेंस इसको बोला जाता है, इसको बोलाता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब रियलिटी विल प्रिवेल ओवर लीगलिटी। इसका मतलब यह है कि भैया लीगली आपने सेक्शन 10 के अंदर चलो ये छह चीजें बोल दी, दैट इज इनफ। लीगली आपने सेक्शन 10 के अंदर ये छह चीजें बोल दी, दैट इज इनफ। ये बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सेक्शन 10 में जो चीजें बोली वही इनफ है, और भी एडिशनल चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है तो जैसे दो पार्टीज होने चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। टोटल 11 इसेंशियल्स है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, 11 लीगली बोले गए हुए 6, और एक्स्ट्रा जो सब्सटेंस में रियलिटी में आते हैं वो है 5। अब इनमें से मैंने कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया है, कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया मैंने इसमें से, ठीक है, नन ऑफ देम आई हैव एक्सप्लेन्ड। मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट फॉर इट। अब इसके लिए एक लंबा चौड़ा चार्ट ड्रॉ करना जरूरी है। सो पहले मैं हेडिंग दूंगा,
सबसे पहले हम जिंदगी में हेडिंग देंगे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे मस्त तरीके से हेडिंग देना चाहिए। हालांकि मेरा इतना कुछ भारी हैंडराइटिंग नहीं है, बचपन में मेरे को हैंडराइटिंग के लिए एक स्पेशल पुरस्कार दिया जाता था स्कूल की तरफ से कि तुम्हारी हैंडराइटिंग मतलब भाई साहब इसका कोई हिसाब नहीं है, किसी को आज तक समझ में नहीं आई। तो ऐसा मस्त एक मेरे को पुरस्कार मिलता था, उस पुरस्कार के अंतर्गत मैंने ये इसेंशियल्स लिखा है, जिसमें से ई बहुत ही बेकार है, इसको नॉर्मली लिखते हैं अपन, कोई बात नहीं, कोई गाली नहीं देगा, ठीक है ना यार, हो जाता है एक हाथ बार, नहीं आती हैंडराइटिंग अच्छी, क्या करें लाइफ के अंदर। ठीक है, सो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम यहां पे एसेंशियल्स लेंगे लाइन से। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। फिलहाल मैं कंसेप्ट पढ़ाने में बिजी हूं, तो कमेंट्स अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, जब मेरा पढ़ाना हो जाएगा तब मैं कमेंट और क्वेरीज को एंटरटेन कर दूंगा। लेट्स गो। ठीक, ओके, अब देखो 11 इसेंशियल्स है, मैं सभी इसेंशियल्स को मिक्स करके पढ़ाने वाला हूं। मतलब ऐसा नहीं करने वाला कि पहले ये 6 पढ़ा दिए फिर ये 5 पढ़ा दिए, नहीं, जिस तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और समझने और याद रखने के लिए मेरे को सही लगता है उतने सभी इसेंशियल्स मैं यहां पे एट रैंडम पढ़ाऊंगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे पहला इसेंशियल मेरे हिसाब से सबसे पहला इसेंशियल है, द फर्स्ट विच आई थिंक शुड बी द फर्स्ट इज अ टू पार्टीज, उसके बाद में फ्री कंसेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद में इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद में इनका एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन के बाद में कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज होना चाहिए चौथा, फिर होना चाहिए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के ऊपर होना चाहिए डेट इज लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आना चाहिए सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, फिर आना चाहिए नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एंड फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज। ऐसे इन 11 एट रैंडम वेज में मैं इसको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इसी तरीके से इसको कंसेप्चुअली समझाया जा सकता है और आप इसको याद भी रख पाओगे। ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। सभी 11 फॉर्मेलिटीज आज खत्म होगी ऐसा नहीं है, पर ये आपको समझ में जरूर आएगा, बहुत कोर में समझ में आएगा, बाल की खाल निकाल के अपन आपको पढ़ाएंगे, और यही यही वो चीज है जो आपके चैप्टर्स बनने वाले हैं। ठीक है, जो आपके चैप्टर्स बनने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से। सबसे पहला वाला जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है द फर्स्ट इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टीज की जरूरत होती है, टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड, दो पार्टीज की जरूरत होती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बहुत सीधी बात है जिंदगी के अंदर। अच्छा, ये इसेंशियल कहां से आया है, तो दिस इज द इसेंशियल ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का इसेंशियल है, सब्सटेंस मतलब रियलिटी का इसेंशियल है। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय टू पार्टीज होनी चाहिए, कैसा लगेगा आपको अगर मैंने ऐसा बोला कि मैं ना मुझसे ही कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूं, कि ये जो पेन है ये पेन मैं मेरे को ही बेचने वाला हूं, तो ये पेन मैंने मेरे इस हाथ में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इस हाथ ने जेब में हाथ डाला, यहां से पैसे निकाले और इस हाथ को दे दिए और यहां से लेकर मैंने जेब में डाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कितना मस्त लगेगा ना जिंदगी के अंदर। मतलब ये जो तुम देख रहे हो या ये जो बाकी के लोग देखेंगे, लोग बोलेंगे ये आदमी पागल हो गया है, नहीं, इसने सीए तो कंप्लीट कर लिया पर ये पूरी तरीके से पागल हो गया है, ये सीए करते करते इसके दिमाग के ऊपर बहुत बुरा असर हुआ है पढ़ाई का, ये आदमी पागल हो गया है। आपके ऊपर भी हो रहा होगा पढ़ाई का एकदम बुरा असर, है ना, वैसे ही मेरे ऊपर कि भैया मैंने ये हाथ से ये हाथ को पेन
पे किया, इधर से जेब से पैसा निकालो, ये हाथ को दिया, ये हाथ ने जेब में डाल दिया, लोग मेरे को बोलेंगे कैसे मस्त पागल बन गया है। तो नहीं, कोई भी आदमी खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, दो पार्टीज होना जरूरी है। और जरूरी नहीं है दो पार्टीज इंडिविजुअल ही हो या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, अ पर्सन कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ वन सेल्फ, खुद के साथ में बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड, टू पार्टीज एटलीस्ट रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, दो लोग कम से कम चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तीसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई एम, दो नहीं रहता क्या इंस्टाग्राम के ऊपर लड़कियों के डिस्क्रिप्शन में, नहीं रहता डीपी इंस्टाग्राम लड़कियों का जो डिस्क्रिप्शन होगा ना उसके अंदर लिखा रहता है ना, आई एम फेवरेट ऑफ माई सेल्फ। वाह, क्या अचीवमेंट है जिंदगी का, आई एम फेवरेट ऑफ माई सेल्फ। अगर क्या है, मैंने कभी लड़कों के डीपी के ऊपर ये नहीं देखा लाइफ में, मतलब ये कितना बड़ा भेदभाव है। लड़कियों के डीपी में इंस्टाग्राम में लिखा रहता है बहुत सारे, आई एम फेवरेट ऑफ माई सेल्फ। अब ये क्या होता है, तुम क्या अलग पर्सनैलिटी हो और क्या तुम तुम्हारे फेवरेट हो, ये बोलने की जरूरत क्या है, हर आदमी खुद का फेवरेट होता है। आई एम फेवरेट ऑफ माई सेल्फ, आई एम द क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड। अभी तुम्हारा वर्ल्ड ही तुसा है, उसमें भी तुम क्वीन बन के बैठे हो, कैसी जिंदगी है ये। आई एम क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, आई एम फेवरेट ऑफ माई सेल्फ, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। टू पार्टीज भी नहीं है, सिंगल पार्टी के अंदर ही खुद ही के कॉन्ट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, ऐसी जिंदगी नहीं चलती है बेटा। मैं लड़कों के खास करके ऐसे कभी नहीं लिखा, लड़का कभी नहीं लिखता आई एम द फेवरेट ऑफ माई सेल्फ। हाँ, आई एम किंग ऑफ माई वर्ल्ड, और आजकल वो नया ट्रेंड निकला है रील के ऊपर, आई एम द डेविल ऑफ माई वर्ल्ड। अबे ये अचीवमेंट नहीं है, बर्बादी है जिंदगी के अंदर, सुधर जाओ। आई एम द डेविल ऑफ माई वर्ल्ड करके भूत के चेहरे लगा के जिंदगी में घूम रहे हो इधर उधर, ये अचीवमेंट ही है, बर्बादी है जिंदगी की। तुम तुम्हारी जिंदगी डेविल हो क्या, खास बात है जिंदगी के अंदर। ये खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, रियलिटी में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये इनवैलिड है, ये हो ही नहीं सकता। तुम ना तुम्हारे वर्ल्ड के किंग हो, ना तुम क्वीन हो, अबे तुम वजीर नहीं, तुम सादे सिपाही भी नहीं हो। आई एम डेविल ऑफ माई वर्ल्ड बोले, आई एम डेविल ऑफ, अबे काय का डेविल, जिंदगी में फटके दिया तो ये डेविल भाग जाएगा इधर उधर, किधर तो भी जब आएगी ना जिंदगी में आफत, तो यही डेविल ऐसे कोने में बैठ के रोएगा, डेविल ऑफ माई वर्ल्ड बोले नालायक। तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, आदमी खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये जो है ना, आई एम फेवरेट ऑफ माई सेल्फ, आई एम क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, आई एम किंग ऑफ माई वर्ल्ड, आई एम डेविल ऑफ माई वर्ल्ड, आई एम झंड ऑफ माई वर्ल्ड, आई एम जोकर ऑफ माई वर्ल्ड, ये सब चीजें बेकार है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ दो पार्टी के बीच में हो सकता है, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। और ये दो पार्टी एनी पार्टी हो सकती है, इट कैन बी एनी पार्टी, इट कैन बी एनी पार्टी। एनी पार्टी मतलब ये नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दो तीन कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मिस्टर एक्स या मिस एक्स, तुम्हारा एक्स आया ना, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टेड विथ X contracted with you, दो पार्टीज हो गए, ठीक है, कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। सो X contracted with you can be a contract, X contracted with you limited a company can be a contract, X contracted with you partnership firm, you firm can be a contract, X limited contracted with you partnership firm can be a contract। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो इंडिविजुअल के बीच में होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में भी हो सकता है। भाई साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने TCS से कॉन्ट्रैक्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल पर्सन, TCS आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो भैया टू पर्सन पार्टी जरूर होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आई एम द किंग और द क्वीन और द फेरी टेल और द जिंदगी झंड ऑफ द माई वर्ल्ड और द डेविल ऑफ माई वर्ल्ड, ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैलिड नहीं रहती, इन चीजों को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। ये जो लोग बोलते हैं ना, आई एम किंग और क्वीन ऑफ द माई वर्ल्ड, आई एम डेविल ऑफ माई वर्ल्ड, पहली आफत जब आती है ये कोने में बैठ के दुम दबा के पैर लगा के भागते हैं,
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ये चीजें जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं होती, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट? चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात, ये मैंने पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ओपन करके रख दिया कि कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, उसका मीनिंग क्या है ये भी मैंने यहां पे बोल के रख दिया, ठीक है। अब आपने एक बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छा, ठीक है। मैं काम करने के लिए बोल रहा हूं, बड़े अच्छे से ध्यान देना, ऐसे दो पेज ज्वाइंट ले लेना, रजिस्टर के दो पेज ज्वाइंट ले लेना, इसके ऊपर लंबा लाइन ड्रॉ करना, और पहला एरिया जो है इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं, ये एक ही चार्ट बनेगा। तो पहला एरिया जो है वहां पे आपने टू पार्टीज लिख के रखना है, टू पार्टीज आपने यहां पे लिख के रखना है पहले एरिया में, ठीक है। मैं पहले ही बोल दूं, लेट मी क्लियर फर्स्ट, मैं पहले ही बोल दूं, मुझे नहीं पता कि ये पूरा चार्ट एक इसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 11 एलिमेंट है, एक इस चार्ट के ऊपर आना मुश्किल है। हम अगर ये पूरे दो पेज खत्म हो गए तो हम नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर आप इसको ठीक से लिखो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसको ठीक से लिखो, अगर ये दो पेज के ऊपर सिर्फ पांच ही एलिमेंट आए कोई दिक्कत नहीं, अगले दो पेज के ऊपर छह एलिमेंट आ जाएंगे, ये इसके ऊपर सात एलिमेंट आए, अगले इसके ऊपर भैया चार एलिमेंट आ जाएंगे, पर आप इसको ठीक से लिखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुझे नहीं पता कि ये दो पेज के ऊपर आएगा, शायद नहीं चाहेगा, पर आप इसको सही तरीके से लिखो, प्रॉपर स्पेस वगैरह देके लिखो, हर एक चीज पढ़ते आनी चाहिए, ऐसे लिखो तो काम में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप इसको अभी ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, ऊपर मार्जिन में हेडिंग डालना एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, गो फॉर इट फास्ट, और इसको लिख लेना। और ये जो जिन्होंने स्टेटस लगाया ना इंस्टाग्राम पे, आई एम फेवरेट ऑफ माई सेल्फ, आई एम किंग ऑफ एंड डेविल ऑफ माई वर्ल्ड, ये पहले आज जिंदगी में हटाना, ठीक है। रियलिस्टिकली थोड़ा जिंदगी के अंदर आओ, गवर्नमेंट भी आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा विक्रम, तो ऑब्वियसली बात है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी आर्टिफिशियल पर्सन का ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। इको के भी फर्स्ट डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे आएंगे, पहले 5-7 लेक्चर्स, आयुष बोरा ने पूछा है दो रोबोट जो हाईली डेवलप है वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? अगर दुनिया में दो रोबोट बनेंगे जो हाईली डेवलप है और एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करने आएंगे, वो तुमको बताएंगे भी नहीं, पहली बात तो ये, वो खुद का अलग लैंग्वेज डेवलप कर लेंगे, खुद कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तुमसे पूछने भी नहीं वाले, डोंट वरी। थैंक यू सो मच बेटा कल्पना, चार पांच लोगों का डन हो गया है, और पांच छह लोग डन कर दीजिए।
गवर्नमेंट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन, कोई ट्रस्ट है वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, फॉरेन कंपनी है तो भी आर्टिफिशियल पर्सन है। नॉर्मली ये सब इंडिविजुअल नेचुरल इंडिविजुअल जिंदा इंसान छोड़ के जितने भी आते हैं वो सब आर्टिफिशियल पर्सन है। रही बात दो रोबोट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस चीज को बहुत समय है जिंदगी के अंदर, और ऐसा कभी अगर हुआ तो वो दो रोबोट आपको भनक भी नहीं लगने देंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं करके, ठीक है? ये चीज को याद रखना। फेसबुक ने ट्राई किया है, फेसबुक ने दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट बनाए थे और दो रोबोट को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट बाद वो दोनों रोबोट ने खुद की एक अलग लैंग्वेज डेवलप कर ली जो किसी को समझ में नहीं आ रही, किसी भी साइंटिस्ट को। एंड में इनको प्लग निकालने पड़े, रोबोट की पावर डाउन करनी पड़ी, तब जाके वो शांत बैठे। तो अगर दो रोबोट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तुमको पता भी नहीं चलने वाला और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी दुनिया बचाने के हिसाब से, ठीक है? आगे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा। पहला कैरेक्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जो है टू पार्टीज, दूसरे उसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर जा रहा हूं मैं जो है फ्री कंसेंट। दो पार्टी साथ में आ गई पर दोनों के बीच में फ्री कंसेंट तो होना चाहिए। दोनों साथ में आ गई पर दोनों के बीच में फ्री कंसेंट तो होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब फुकट का कंसेंट नहीं होता। अच्छा ये कहां डिफाइंड है? ये सेक्शन 10 के अंदर डिफाइंड टर्म है। पहला वाला सब्सटेंस से उठाया था, रियलिटी से, ये सेक्शन 10 से हमने उठाया है फ्री कंसेंट। नाउ सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? तो मैं पहले ही इसको बोल दूं, अ कंसेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अ कंसेंट टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट गिवन विथ ओन विल विदाउट इंफ्लुएंस इज फ्री कंसेंट। जब कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का कंसेंट देता है खुद के विल से, किसी भी इन्फ्लुएंस से नहीं, खुद के विल से, उसे फ्री कंसेंट कहा जाता है। फ्री कंसेंट कैन बी डैमेज्ड बाय, फ्री कंसेंट कैन बी डैमेज्ड बाय, स्पेलिंग इधर उधर हुआ है एडजस्ट कर लेना, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, डीके इंग्लिश, कैन बी डैमेज्ड बाय। पांच चीजों से फ्री कंसेंट डैमेज हो सकता है, जैसे कोर्शन, कोर्शन फॉर एग्जांपल किडनैपिंग, कोर्शन का मतलब होता है किडनैपिंग, फिजिकल डैमेज, किडनैप और डैमेज फिजिकली या इमोशनली, कैसे भी किडनैपिंग इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल, धमकी वगैरह देना, दैट इज कोर्शन। सेकंड अंडू इन्फ्लुएंस, दैट इज प्रेशर क्रिएट करना, प्रेशर क्रिएट करना, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, ओवर टाइम वर्किंग करो नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, जब दो रिलेटेड पार्टी उनके बीच में प्रेशर क्रिएट करना इज अंड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे स्टूडेंट टीचर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करते हो सर, ये बताओ वो बताओ वो बताओ वो बताओ सर, तभी इसका भी बताओ उसका भी बताओ, सब सबका बताओ, जिंदगी तहस नहस कर दो, प्रेशर क्रिएट करना। मैं बेचारा साधा गरीब बेचारा बच्चा, मासूम सी शक्ल वाला, मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हो तुम प्यारे नालायक को, कैसे हो? अंडू इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर सी, फ्रॉड, फ्रॉड करना, किसी को फ्रॉडुलेंट कंसेंट देना, फ्रॉड की वजह से भी आपका फ्री कंसेंट विटिगेट हो सकता है। सो फ्रॉड फॉर एग्जाम्पल, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन के हिसाब से कंसेंट देना, मतलब एरर है, कोई इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने कंसेंट दिया इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और वो इंफॉर्मेशन में एरर था, मिस्टेकनली एरर था, जो इंटेंशन नहीं था रखने का पर एरर था, गलत इंफॉर्मेशन थी, मिसरिप्रेजेंटेशन या ई मिस्टेक। ये पांच ही चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक करना मतलब गलती कर देना, गलती से मिस्टेक हो गया, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, ठीक है? सो मिस्टेक के तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, गलतियां कर देना, अननोइंग,
अननोइंग एक्ट इज अ काइंड ऑफ मिस्टेक, जो पता भी नहीं था ऐसा एक्ट किया. अब एक्चुअली मैंने यहां पे सिर्फ नाम लिखे हैं, आगे जाके इनको हम एक्सप्लेन करेंगे इन फ्यूचर. फ्री कंसेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है, हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, फ्री कंसेंट चैप्टर करेंगे इन फ्यूचर, पर अभी मैंने इसका सिर्फ नाम लिख के रखा. सो भैया व्हाट इज फ्री कंसेंट? जब बंदा खुद के विलिंगनेस से कोई चीज के लिए हां बोलता है, दैट इज फ्री कंसेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सुंदर सा सादा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, समझो यहां पे सोनिया, सोनिया बलाई, सोनिया को कोई लड़का, एकदम स्मार्ट सा खतरनाक सा ऐसा लड़का आया और सोनिया को लड़के ने प्रपोज किया, ऐसा मस्त गुलाब का फूल लिया. सोनिया को बोला तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, तुम मेरे जिंदगी के अंदर आ जाओ, ऐसा मस्त प्रपोज किया शेरो शायरी के साथ. अब यहां सोनिया खुद होके बोले ओके वेरी गुड ऑसम चलो शादी कर लेते हैं, ऐसा सोनिया ने खुद ने बोला, फ्री कंसेंट, खुद के विलिंगनेस से फ्री कंसेंट. वही अगर बंदे ने बोला तुमने मेरी जिंदगी बदल देनी है, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, और इधर से जेब से निकाली मस्त वाली गन और सोनिया के ऊपर तान दी, बोलो तुम्हारा क्या मतलब है? सोनिया घबरा गई, बोले ओके ओके ओके, नहीं बोले तुम सोच लो, तुम फ्री कंसेंट देना, हाँ तुम सोच के बोलना, और गन पूरी तानी हुई, पूरी लोडेड गन मस्त, और तुम सोच के बोलना, जरूरी नहीं है कि तुम फोर्स में प्रेशर में बोलो, तुम सोच के बोलना. सोनिया बोले नहीं 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 मैं हाँ मैं हाँ बोल रही हूँ. बोले नहीं नहीं तुम सोचो, तुम और थोड़ा समय लो, पर सोच के बोलना. सोनिया अरे नहीं मैं हाँ बोल रही हूँ, टेंशन ना लो मैं हाँ बोल रही हूँ. दिस इज नॉट अ फ्री कंसेंट, दिस इज अ कोर्शन. ये चीज को तुमने बड़े अच्छे से याद रखना. किसी भी बंदे को खुद की, खुद का कंसेंट देने के लिए जबरदस्ती करना इज नॉट अ फ्री कंसेंट. ठीक है, तुमने फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं समझने लायक. ठीक है, समझो और कौन है यहां पे, कृष्णा मेहर. ठीक है, कृष्णा जो था ना, कृष्णा कल्याण ज्वेलर्स, तुमने सुना होगा कल्याण ज्वेलर्स, अमिताभ बच्चन जिसके एडवर्टीजमेंट करता है कल्याण ज्वेलर. ठीक है, अमिताभ बच्चन जी जिसके एडवर्टीजमेंट कर ले कल्याण ज्वेलर. कृष्णा बहुत होशियार था, कृष्णा ने कल्याण ज्वेलर का जो एक बेटा था, छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, कृष्णा ने इसको किडनैप कर लिया, कृष्णा ने किडनैप कर लिया. फिर कल्याण ज्वेलर ने इसने फोन लगाया और बोले तुम्हारे पास जो हीरो का हार है, तुम्हारे पास जो कोहिनूर का हीरा है, हीरा, कोहिनूर का हीरा, जो बोले तुम्हारे पास कोहिनूर का हीरा है, कोहिनूर का जो हीरा है, वो मुझे सिर्फ एक रुपए में बेच दो, रुपीज वन में बेच दो, तो तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा. अगर तुमने, अगर मेरे को कोहिनूर का हीरा एक रुपए में नहीं बेचा, तो मैं तुम्हारे बच्चे को गायब कर दूंगा. किडनैप कर लिया, इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोर्शन कर रहा है, तो ये चीज गलत है, ये फ्री कंसेंट नहीं है. कल्याण ज्वेलर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा. ये चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है. क्लियर है? सो ये है दूसरा एरिया फ्री कंसेंट वाला. समझ में आएगा कृपया कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे. गो फॉर इट फास्ट, लिख लीजिएगा समझ में आएगा, वो भी कमेंट कर दीजिएगा. मानव कुमार अग्रवाल, ये बेटा आगे आएगा, अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए हैं, आगे ये डिटेलिंग में आ जाएगा, डोंट वरी. आपने जो क्वेरी पूछा है आगे डिटेलिंग में आएगा जब हम ये चैप्टर फ्री कंसेंट चैप्टर शुरू करेंगे. बहुत बढ़िया, शानदार, सबको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है.
कल्याण ज्वेलर को एक रुपया मिलने से मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कौन से इन्फ्लुएंस में हुआ है उससे मतलब ज्यादा है। तुमको कोर्शन, अंडियो इन्फ्लुएंस वगैरह इन सब के बारे में जितने भी क्वेश्चंस है वो थोड़े रोक के रखना, आगे पूरा चैप्टर आने वाला है जिसके ऊपर बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस आएंगे, ये सिर्फ मैं फिलहाल सिनॉप्सिस बोल रहा हूँ। तो अगर आपके कोई भी सवाल है कि सर कोर्शन अंडियो इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या है, इनको एक्सप्लेन करो, तो इसको रोक देना। अभी मैं सिर्फ तुमको हेडिंग्स बोल रहा हूँ और लिख के दे रहा हूँ, आगे जाके पूरे चैप्टर में कवर होंगे, इसके ऊपर 2-3 लेक्चर जाएंगे पूरे, डोंट वरी। लिखना हो जाए तो डन डना डन डन कर देना बच्चों। हो गया सबका, बहुत बढ़िया। तो हमने दूसरा वाला एरिया कंप्लीट कर लिया है बच्चों अभी, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूं आगे, जितने भी कोर्शन अंडियो इन्फ्लुएंस वगैरह की क्वेरीज है कृपया होल्ड कीजिए, जब चैप्टर आएगा तब हम इसको समझेंगे, डोंट वरी। आगे फिलहाल आपको इतना ही समझ में आ गया कि फ्री कंसेंट क्या होता है, दैट इज इनफ। बाकी ये जितना क्वेश्चन अंडर इन्फ्लुएंस है चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे, पूरे 1-2 लेक्चर जाएंगे इसके ऊपर, डोंट वरी। फिर उसके बाद में तीसरे एरिया के ऊपर जा रहे हैं, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन होना चाहिए। पार्टीज का इंटेंशन ये लीगल रिलेशन क्रिएट होना होना चाहिए, टाइम पास वाला रिलेशन क्रिएट करने का नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, नेक्स्ट वाला कैरेक्टर है इंटेंशन टू क्रिएट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मतलब दो पार्टीज हैं, उन्होंने फ्री कंसेंट दे दिया, तो इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। यह कंसेप्ट आया है सब्सटेंस से, मतलब रियलिटी से, ठीक है। अब जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, जब हम कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, वो रिलेशन बच्चों दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, दो पार्ट में रिलेशन डिवाइड हो सकता है। बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, पहला पार्ट हो सकता है कि आप इलीगल रिलेशन क्रिएट करो, इलीगल रिलेशन मतलब, और दूसरा आप हो सकता है लीगल रिलेशन क्रिएट करो। लीगल रिलेशन का मतलब होता है जायज रिश्ता, लीगल रिलेशन जायज रिश्ता, इलीगल रिलेशन, होशियार हो तुम, मेरे को मालूम है जिंदगी में तुमने एकदम मतलब सोच ही लिया होगा, तुमने साइड ट्रैक तो पकड़ ही लिया, मतलब मैंने बोलने के पहले ही पकड़ लिया होगा, जब मैंने बोला लीगल रिलेशन इज अ जायज रिश्ता तुमने साइड ट्रैक इमीडिएटली पकड़ लिया होगा। अच्छा सर ये बोल रहे हो आप, सर ओके ये बोल रहे हो सर तुम, नालायक को सुधर जाओ प्यारे नालायक, मेरे प्यारे नालायक को सुधरो, अच्छा सोचा करो जिंदगी में। लीगल रिलेशन जायज रिश्ता, इलीगल रिलेशन नाजायज रिश्ता, मतलब जो इंटेंशन ही नहीं है लीगली कुछ करने का। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन का मतलब क्या है जरा समझना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो व्हेन अ वन पर्सन, जैसे कि तैमूर ने, तैमूर तुमको मालूम है ना, तैमूर, तैमूर बड़ा फेमस है, सभी बॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा तो फेमस तैमूर है। तैमूर ने कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की नौरा के साथ में, नौरा, नौरा तो मालूम है तुमको। सो तैमूर ने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की नौरा के साथ में, मतलब नौरा पता है ना तुमको, नौरा नहीं पता तुमको, नौरा जिसको नहीं पता उसके लिए तैमूर पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये तैमूर छोटा सा बच्चा, सिर पे दो बाल, सिर पे दो बाल नहीं, मस्त हेयर स्टाइल है इसकी तैमूर की,
साइड पार्टीशन वाली, तो तैमूर, और इधर नौरा। नौरा तो अपन एकदम बेस्ट ड्रॉ करते हैं लाइफ में, अपने जैसी नौरा कोई ड्रॉ नहीं कर सकता। ये देखो ऐसी, ये हाई गर्मी का स्टेप है ना, हाई गर्मी, यानी कि अरे हाई गर्मी का यही तो स्टेप है ना। तो नौरा ऐसे ही दिखेगी जिंदगी के अंदर, और कैसे दिखेगी नौरा, हाई गर्मी के स्टेप के साथ में नौरा ड्रॉ की। तुमको यही गाना तो तुमने 1000 बार देखा है, मेरे को मालूम है तुमने ये गाना, तुमने रिपीट मोड पे लगा लगा के यूट्यूब को, वो यूट्यूब पे हाई गर्मी के गाने को हैवी व्यूज नहीं आया, तुम ही लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हो। तो यहां पे तैमूर, अरे ये तो, अरे ये वही है ना हाई गर्मी, मैं क्या करूं जिंदगी में। तुमको नौरा ऐसी ही याद आती है, तुमको शादी खड़ी नौरा तुमको कभी याद नहीं आती, तुमको नौरा बोला तो यही याद आता, मेरे को वैसे ही डायग्राम बनाने पड़ेंगे, मेरी थोड़ी ना गलती है कोई जिंदगी के अंदर, ठीक है। अरे मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसके स्टेटस निकाल के इंस्टाग्राम पे कोई नहीं डालेगा, तुम बहुत नालायक लोग हो, लोग मेरे को वहां पे सवाल पूछते हैं, सुनो ऐसी कौन सी चीजें पढ़ाते रहते हो जिंदगी में, मेरी कोई कोई इंस्टाग्राम पे स्टेटस इसके ऊपर कोई मीम नहीं बनाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, तुम बहुत बेकार बोचे हो, मेरे को कुछ बता नहीं, तुमको बोलना ही नहीं है मैंने कुछ जिंदगी के अंदर। सो तैमूर नौरा के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था। अब समझो पहला कॉन्ट्रैक्ट जो तैमूर नौरा के साथ करना चाहता था, कि तैमूर नौरा को अब एक नेकलेस देना चाहता था, नेकलेस सेल करना चाहता था, नेकलेस। तैमूर नौरा को नेकलेस सेल करना चाहता था एट द रेट ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, 10 लाख में नेकलेस सेल करना चाहता था तैमूर नौरा को, ठीक है। अरे तुम ना बहुत देखो कैसे बाहर आ गई कमेंट सेक्शन में, तुम नौरा को याद करके इतने खुश होते हो मेरे को नहीं मालूम था, ठीक है। तो ये हाई गर्मी वाला स्टेप, तो तैमूर नौरा को नेकलेस डालना चाहता था, तो यहां पे नेकलेस भी बना सकते हैं अपन। तैमूर ने नौरा को नेकलेस दे दिया हाई गर्मी, ठीक है। नौरा कम बप्पी लहरी ज्यादा लग रही है वो, चलो कोई बात नहीं। सो तैमूर ने नौरा को एट द रेट ऑफ ₹10 लाख नेकलेस गिफ्ट कर दिया। क्या यहां नेकलेस को सेल करना, तैमूर ने नौरा को नेकलेस सेल करना एट द रेट ऑफ ₹10 लाख, क्या इससे लीगल रिलेशन क्रिएट करना है, क्या इससे जायज रिश्ता क्रिएट करना है, लीगल रिलेशन क्रिएट करना है, क्या जायज रिश्ता क्रिएट करना है, यस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, भैया लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन है, अजीब कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन नहीं है, मैं नेकलेस बेचना चाहता हूं नौरा से 10 लाख लूंगा, टोटली लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पर यहां पे तैमूर ने कॉन्ट्रैक्ट किया नौरा को, गांजा बेचने का। तैमूर ने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया नौरा को गांजा बेचने का, नौरा को ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ड्रग्स मालूम है ना, ड्रग्स। तैमूर ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यहां पे हम ड्रग्स बेचेंगे, तो समझो नौरा तो समझो नौरा ने यहां पे ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अगर, ठीक है। अरे अरे अभी हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, चलो इस साइड नहीं निकालते अपन, दूसरे साइड निकालते, तो यहां पे दूसरे कलर के पेन से निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, हे भगवान, कोई इसके फोटो नहीं निकालेगा, कहीं डालेगा नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ जिंदगी के अंदर तुमको, अगर ड्रग्स बेचने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया चरस कोके नफीम गांजा, तो पहली बात है, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, भले इसमें रेट वगैरह डिसाइडेड हो, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 लाख या 5 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो भले ही यहां पे रेट डिसाइडेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रग्स बेचना इज इंटेंशन टू क्रिएट, इंटेंशन टू क्रिएट इलीगल रिलेशन, इंटेंशन टू क्रिएट इलीगल रिलेशन, तो ऑब्वियस ही बात है ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पे वैलिड नहीं माना जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पे क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, यहां पे अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, इनवैलिड। गंजा समझ में आ रहा है सबको, है ना, बस यही है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन एंड इंटेंशन टू क्रिएट अ नॉन लीगल रिलेशन, समझ में तुमको बहुत अच्छे से आया होगा, मेरे को मालूम है ऑलरेडी, ठीक है।
यही मतलब होता है जायज और नाजायज रिश्ता का। आप कॉन्ट्रैक्ट कौन से टाइप का करना चाहते हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो तो मैं चाहूंगा इसको भी लिख के रखो, कोई फोटो वोटो नहीं निकालेगा, आराम करो, कोई स्टेटस नहीं डालेगा, मेरे को तो बिल्कुल भी टैग नहीं करेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, जितने टैग किया याद रखना जिंदगी के अंदर। गो फॉर इट, फास्ट। ऑब्जेक्ट ही इनवैलिड है, मेरे कभी भी एग्जाम्पल देते वक्त पानी वानी पीना मत बेटा मानव कुमार, कब उसका स्प्रे पेंटिंग हो जाएगा तुम्हें भी नहीं समझ में आएगा। अपनी पूरी क्लास ही ऐसी चलती है बेटा, क्या करें अब जिंदगी में।
डन हो जाए तो बोल देना। 5-6 लोगों का हो चुका है, और 5-6 लोग बोल दो तो आगे बढ़ जाएंगे। चलो डन एवरीबॉडी, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। सो कई सारे लोगों का हो गया होगा, देयर इज अ थर्ड इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन थर्ड होने के बाद में हम जा रहे हैं चौथे के ऊपर, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। फोर्थ इज द कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। चलो दो पार्टीज जमा हो गई, फ्री कंसेंट दे दिया, दोनों ने बोल दिया कि लीगल रिलेशन बनना चाहिए, पर क्या तुम्हारी पार्टीज कंपिटेंट है? क्या दोनों में दम है कॉन्ट्रैक्ट करने लायक? क्या दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल यहां पे आता है। सो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कंपिटेंसी कहा गया। स्पेलिंग अपनी जिंदगी के अंदर स्पेलिंग मतलब माशा अल्लाह। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा। What is competency of parties? बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान देना। अच्छा ये कौन सा वाला है? तो ये भैया सेक्शन 10 वाला है, सेक्शन 10 वाला है, लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया गया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, अब मैं आपको बोल दूं, ऑल द पर्सन, ऑल द पर्सन आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ऑल द पर्सन आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इसमें सवाल उठा है कि वॉट डू मीन बाय पर्सन? सो भैया पर्सन की ना एक मैं आपको यूनिवर्सल डेफिनेशन बोलता हूं, यूनिवर्सल डेफिनेशन जिसके अंदर सभी पर्सन आएंगे, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बोलता हूं जिसके अंदर 7 लोग आते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, दूसरा दूसरा HUF कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तीसरा पार्टनरशिप फर्म या LLP होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, चौथा एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP या बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल BOI, AOP BOI जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पांचवा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AJP, इसको मैं पूरा लिखना चाहूंगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AJP। देखो AOP BOI एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब आप ले सकते हो कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है। उसके बाद में LLP, ये सब आते हैं बेटा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। फिर उसके बाद में 6th लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ये सब पर्सन में आते हैं, और इन सब के ब्रांच ऑफिस और एजेंसी, ब्रांच ऑफिस और एजेंसी ऑफ ऑल ऑफ अबव, ये भी पर्सन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इतने सारे लोग पर्सन, ये छोड़ के ना पूरी दुनिया में पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये छोड़ के और कोई पर्सन है ही नहीं। देखो तुम इंसान बोलोगे तो इंडिविजुअल में आ गया, तुम फैमिली बोलोगे तो HUF में आ गया, तुम पार्टनरशिप फर्म बोलोगे तो फर्म में आ गया, तुम कोऑपरेटिव बोलोगे एसोसिएशन ऑफ पीपल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलोगे तो इसमें आ गया,
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आर्टिफिशियल है, प्राइवेट कंपनी, कॉरपोरेशंस, एलआईसी, जीआईसी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ गया। लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, स्टेट पुलिस, लोकल अथॉरिटीज, यह आ गया लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। ब्रांच ऑफिस और एजेंसी, भैया बैंक ऑफ बड़ौदा का पुणे वाला ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुणे वाला ब्रांच, ये भी इसके अंदर आ गया। ये छोड़ के पर्सन में कोई बचता ही नहीं है, कोई भी नहीं बचता है। ये सात लोग पर्सन में आते हैं, ये सातों के सातों पर्सन माने जाते हैं। अब इनको अगर याद करना है तो बहुत सिंपल है कि ये सातों के सातों कैसे याद करना, मेरे साथ साथ में एक्शन करना, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, सभी हवा में हाथ लहराओ जरा, और ये सातों के सातों तुमने मेरे साथ याद करने हैं, सातों के सातों मेरे साथ याद करने हैं। सबसे पहला एक्शन, सब जन ऐसा करेंगे, बोले इंडिविजुअल, बोले इंडिविजुअल, एक अकेला पर्सन, सिंगल पर्सन, जो तुम्हारा स्टेटस है झंड, ठीक है, सिंगल पर्सन, ये तुम्हारा स्टेटस भी है ना, सो सिंगल पर्सन, एक अकेला पर्सन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल हो गया। फिर ऐसे सभी इंडिविजुअल मिलके एचयूएफ, ऐसे सभी इंडिविजुअल मिलके एचयूएफ, एक इंडिविजुअल तो सब मिलके एचयूएफ, नॉर्मली चार पांच लोग होते हैं ना फैमिली में, तो मिलके एचयूएफ, सो इंडिविजुअल एचयूएफ, समझ में आया, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, दो लोग, दो मुठ्ठियां एक साथ आ गई, दो लोग एक साथ आ गए तो फर्म बन जाता है। सो इंडिविजुअल, एक्शन करो साथ साथ में, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, क्लियर है कॉन्सेप्ट, सो इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, एओपी Association of Persons, गंदी गंदी हरकतें मत करो, ठीक है, एओपी बताओ बाकायदा, Association of Persons, समझ में आ रहा है। Bodies of Individuals, बॉडी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है ना, सो इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, Association of Persons, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, क्लियर है। सभी एक्शन करेंगे, लोग तुमको फैमिली वाले पागल समझे क्या कर रहा है जिंदगी में, तो भी तुमने एक्शन करने हैं। वापस से इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, शर्ट आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है ना, बट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, किसी का नेचुरल शर्ट है क्या, पतंजलि शर्ट, कि भैया गोभी के पत्तों से लपेटा हुआ है क्या किसी का शर्ट, नहीं ना, तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल शर्ट आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अभी तक सब नेचुरल था। इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, सॉरी इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फिर लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सर ये कैसा एक्शन हुआ लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए हो, कभी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हो, अगर तुम गवर्नमेंट ऑफिस में चले गए ना तो तुम खुद के बाल नोचना शुरू कर दोगे, तुम्हारे दिमाग के बाहर की बात है, वो लोग काम करते हैं या लंच ब्रेक लेते हैं, जिंदगी में कभी समझ में ही नहीं आता, वो लोग काम ही हमारे ऊपर ऐसा करते हैं जैसे वो हमारे ऊपर ही एहसान कर रहे हैं, बिना घुस दिए तो कोई काम करता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं कहां पे आ गया, ये मेरे सिर के बाहर है या मेरे कैपेसिटी के बाहर है, तो लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमारे कैपेसिटी के दिमाग के बाहर, क्लियर है। सो इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कंसेप्ट समझ में, दिमाग के बाहर वाली चीज है। और सबसे आखिरी ब्रांच ऑफिसर एजेंसी ऑफ सिक्स ऑफ द अबव, तो तीन गिनना, ब्रांच ऑफिस एजेंसी, क्लियर है, ब्रांच ऑफिस एजेंसी, समझ में आ रहा है, ब्रांच ऑफिस और एजेंसी ऑफ द सिक्स ऑफ द अबव इज ऑल्सो पर्सन, क्लियर है। एक बार सभी एक्शन करेंगे साथ साथ में, रेडी, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, साथ में इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ब्रांच ऑफिस और, ब्रांच ऑफिस और स्टाइल में एजेंसी ऑफ द सिक्स ऑफ द अबव, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। ये सातों लोग एक दूसरे से कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, याद हो गए सातों के साथों। एक बार वापस से आंखें बंद करके एक्शन करके देखो, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ब्रांच ऑफिस, एजेंसी। रात को जब तुम सोए ना, ये मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी याद रखना, कभी अगर तुम निपट गए जन्ने में और मैं तुम्हारे कब्र के ऊपर आ गया, हम तुम्हारे कब्र पे पधारे और मैंने तुमको बोला, ए उठे उठे, ए उठ, बता पर्सन कौन है, शुरू कबर में सो जाना, वापस से मिट्टी में डालेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पर मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कबर के अंदर में मेरे को याद चाहिए, याद चाहिए मतलब चाहिए, तुम निपट भी गए तो भी मेरे को ये याद चाहिए, तुम्हारी आत्मा से पूछूंगा मैं, फिर भी मेरे को आंसर चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। ये है आपका पर्सन का डेफिनेशन,
क्लियर है सब सबको? हाँ ना, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना, ये चीज मेरे को याद चाहिए। तो इतने लोग एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इसके एक्सेप्शन भी है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। मैं अब लिख रहा हूं एक्सेप्शन, मैं अब लिख रहा हूं बच्चों एक्सेप्शन, कि इसमें कौन ऐसे है जो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कौन ऐसे है जो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पांच लोग है, पांच लोग डिस्क्वालिफाइड है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला बंदा है माइनर, सबसे पहला बंदा है माइनर। माइनर मतलब तुम लोग नालायक हो, तुम जो दांत निकाल रहे हो नहीं है कमेंट सेक्शन के अंदर, तुम ही लोग हो मेरे प्यारे नालायक हो, तुम फिलहाल माइनर हो। तुम में से जितने भी लोग 18 साल के नीचे है, 18 इयर्स के नीचे है, उन्हें हम माइनर बोलते हैं, ठीक है? माइनर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मुबारक हो, तुम्हारी लग गई है। सो 18 इयर्स के नीचे माइनर। दूसरा अनसाउंड माइंड, इनमें से कोई अगर अनसाउंड माइंड वाला है, दिमाग उसका खराब हो चुका है, पगली हरकतें कर रहा है, अनसाउंड माइंड, ठीक है? तीसरा, तीसरा पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, माइनर हो गया, अनसाउंड हो गया। उसके बाद में कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मतलब जो जेल में पड़ा हुआ है, तिहार जेल में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, इतनी हिम्मत तुम्हारी? चौथा डिप्लोमैट्स, फॉरेन डिप्लोमैट्स, फॉरेन के जो डिप्लोमैट होते हैं, फॉरेन के राजदूत, आप इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये दूसरे देश के लोग हैं, इनसे आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। और सबसे आखिरी अलायन एनिमी, अलायन एनिमी, अलायन एनिमी मतलब पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर हो गया तो ऐसे सिचुएशन में आप पाकिस्तान के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे क्या? नहीं, हम तो क्रिकेट मैच के ऊपर झगड़े कर ले, हम क्रिकेट मैच के ऊपर युद्ध कर ले, ये तो बात कर रहे हैं वॉर की, तो अलायन एनिमी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? अलायन एनिमी कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? इसे लोग एलियन एनिमी भी कहते हैं, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी नाम की कोई चीज नहीं होती, मंगल ग्रह से उठा के नहीं लाया जो एलियन बनेगा वो। अलायन एनिमी इज अ टर्म, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो माइनर, अनसाउंड माइंड, कॉन्विक्ट, फॉरेन डिप्लोमैट, परराष्ट्र दूत, इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अलायन एनिमी। ये आगे फ्यूचर में मैं आपको बकायदा एक्सप्लेन करूंगा, फ्यूचर में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, कृपया इसके ऊपर फिलहाल कोई क्वेरी ना पूछे, फ्यूचर में बहुत तगड़े एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरे को सिनॉप्सिस देना था, मैंने दे दिया, इस चीज को आप लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या? मुझे जरूर बोलना समझ में आया क्या, ठीक है? वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, गो फॉर इट फास्ट। चलो बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, थैंक यू सो मच। कृष्णा, आयुष, चैतन्य, दर्शन, अमन, विश्वजीत, तुलसी, अश्विन, थैंक यू सो मच बेटा।
एओए का एओपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओए का बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। सी ए इंटर का फास्ट ट्रैक बैच का टाइमिंग दोपहर को 2 से 4, या शाम को रह सकता है 6 से 8 के बीच में, अभी तक वो फिक्स नहीं है। पूरे लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं आने वाले, ये पेड लेक्चर्स हैं। पहले सिर्फ 8-10 लेक्चर ही डेमो हैं, वो यहाँ आएंगे, बचे हुए लेक्चर्स यहाँ पे नहीं आएंगे। वो फीस भरने के बाद में आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो एप्लीकेशन के ऊपर। लिखना हो जाए तो डन डना डन डन कर देना। चलो डन एवरीबॉडी, सबका लिखना हो गया है। ओके, तो यहां तक आइडिया क्लियर है सबको। किसी ने तो भी पूछा है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाउंडेशन ऑफ सिविल वर्ल्ड, कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज अ फाउंडेशन ऑफ सिविल वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है, सिविलाइज वर्ल्ड मतलब एक दूसरे को बिना डैमेज किए रहना, और बिना डैमेज किए अगर आपको रहना है तो आपको लीगली बाउंड होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट को लीगली बाउंड करता है, जिस वजह से डैमेजेस कम होते हैं, और डैमेजेस कम होते हैं इसलिए सिविलाइज वर्ल्ड का ही एक पैरामीटर है। ठीक है, चल यहां पे हमारा 4 एरियाज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई गेस आपने इसको बहुत अच्छे से लिखा हुआ होगा, एक फोटो खींच के रखिए ओवरऑल व्यू का। 4 ही हुए हैं अभी, और 7 बाकी है, ये हम कल के लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे इसेंशियल्स को। एक ऐसा भी फोटो लेके रखिए कि किस तरीके से आपने लिखा है वो समझ में आना चाहिए। गो फॉर इट फास्ट। श्योर,
बहुत बढ़िया, चलो आज के लिए काफी करते हैं, दिस ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बेटा, शब्बा खैर, दस विदानिया, टेक केयर, बाय बाय।